हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपकी वेबसाइट का फर्स्ट लुक ही आपकी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जितना अच्छे तरीके से आप अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट करेंगे, उतनी टाइम तक आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पर होल्ड कर पाएगा और आपको आपके बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि दोस्तों आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मिंत्रा या फिर अन्य किसी वेबसाइट को, जहाँ पर दोस्तों जो उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो उनकी वेबसाइट की प्रेजेंटेशन या फिर डिज़ाइन होती है, वो काफ़ी बेहतरीन होती है, जिससे यूज़र्स उनकी वेबसाइट पे काफ़ी समय तक होल्ड कर पाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट पे कुछ इस तरह का इमेज लुक रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में आप जो है कुछ ग्रे आउट कलर देख रहे हैं। वहीं दोस्तों सेम इमेज को मैं अगर बॉटम में देखता हूँ तो यहाँ पर जो है बॉटम में वाइट कलर दिखाई दे रहा है। बेसिकली दोस्तों इस प्रोडक्ट इमेज का बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन हमने कुछ कोडिंग की हेल्प से अपने प्रोडक्ट इमेज को कुछ और अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे ये सिर्फ फ्लैश डील के प्रोडक्ट्स आप जो है कुछ ग्रे आउट बैकग्राउंड में देख रहे हैं। वहीं दोस्तों हमारे जो मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके डिफॉल्ट बैकग्राउंड के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी वेबसाइट पे कुछ इसी प्रकार अपनी वेबसाइट की प्रोडक्ट इमेजेस को शो कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस थीम को परचेस करना चाहते हो या फिर इस जैसी कोई दूसरी थीम को परचेस करना चाहते हो, तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट voochem.com पर, जहां पर दोस्तों इस तरह की काफी सारी थीम्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो दोस्तों अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट इमेज में कुछ इस तरह का कलर ऐड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक नया डोमेन क्रिएट किया हुआ है जो कि है tash.voochem.com, जहां पर हमने दो प्रोडक्ट ऐड किए हैं आपको दिखाने के लिए, जिसमें दोस्तों एक डेमो प्रोडक्ट 1 है, दूसरा डेमो प्रोडक्ट 2 है। सिंपली दोस्तों इस तरह का कलर ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे जो है प्रोडक्ट पे जाते हैं, अपने राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कुछ जैसे दोस्तों आप इंस्पेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट इमेज का टैग आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है IMG। उसके ऊपर दोस्तों आप यहाँ पे जो एक एंकर टैग देख रहे हैं जिसमें A लिखा हुआ है। अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कोलैप्स हो जाता है और इमेज टैग इसके अंदर हाइड हो जाता है। वहीं दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और टैग दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट एलिमेंट टॉप। बेसिकली दोस्तों आपका जो टॉप एलिमेंट है, मतलब जो टॉप कंटेनर है जिसके अंदर आपकी जो है प्रोडक्ट इमेज डिफाइन की गई है। तो बेसिकली दोस्तों आप जो भी कोई भी थीम अगर आप यूज़ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपकी थीम का भी होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है सिंपली इसको कोलैप्स करना है। कोलैप्स करने का जो आपकी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट एलिमेंट टॉप, इसका राइट हैंड साइड में देखें तो इसकी यहाँ पे क्लास दी गई है। सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। दोस्तों आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है नोटपैड में इसको पेस्ट कर देते हैं। नोटपैड में पेस्ट करने का दोस्तों जो कलर आपको अप्लाई करना है, सिंपली एंकर टैग पे आपको अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों एंकर टैग लिखना होगा। तो एंकर टैग लिखने के लिए सिंपली आप यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्पेसिफाई कर रहे हैं डायरेक्ट एंकर टैग को तो आप इस तरह का एक सिंबल देके यहाँ पर A लिख सकते हैं। इसका दोस्तों आपको जहाँ पर आफ्टर लिखना होगा, तो हम यहाँ पे जो है आफ्टर लिखते हैं और एक कर्ली ब्रेसेस आपको ओपन करना है। इसमें दोस्तों कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद आपको लिखना है कंटेंट, जिस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे जो है CSS कोड क्रिएट कर रहे हैं, सेम तरीके से आपको भी क्रिएट करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप कोई दूसरी थीम यूज़ करें तो सिंपली उसका जो है क्लास आप ध्यान में रख लीजिए कि उसका जो है कंटेनर क्लास है वो किस तरह का है। कंटेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है कोलन देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। इसका दोस्तों आपको लिखना है पोजिशन, इसमें दोस्तों आप एब्सोल्यूट लिखोगे। इसका दोस्तों जो आपकी पोजिशन एब्सोल्यूट होने का, तो आपकी प्रोडक्ट इमेज पर चारों तरफ से आपको जो है कलर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट विथ 100%, विथ लिखेंगे 100%। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे टॉप लिखना है 0, लेफ्ट लिखना है 0। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर आपका डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, बैकग्राउंड लिख सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों हम जो है सिंपली ब्लैक लिख देते हैं, इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देते हैं। इसका दोस्तों हम यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस से CSS कोड को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने का सिंपली इस कोड को आपको जो है कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आपको जो है इस कोड को पेस्ट कर देना है आपकी थीम सेटिंग के कस्टम CSS ऑप्शन में, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो है अपीयरेंस में कस्टमाइज में जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों कोई दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमाइज पे जाने का सिंपली जो है एडिशनल CSS आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेस्ट करें तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक कलर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इमेज पर। इसको दोस्तों आपको जो है ओपेसिटी डिफाइन करनी होगी, या फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप जो है इस कलर को मैनेज कर सकते हैं।
सिंपली दोस्तों इसको आपको जो है फिर से इंस्पेक्ट करना है, जहाँ पर दोस्तों आपका आफ्टर आया हुआ है इस इमेज टैग के अंदर। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज टैग है, इमेज टैग के बाद हमारा जो है एंकर टैग है, और यहाँ पर दोस्तों एक आफ्टर ऑप्शन आप देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों राइट साइड में जो आपका सी एस एस आपने अभी क्रिएट किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कलर पर क्लिक करने का सिंपली दोस्तों इसकी ओपेसिटी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी ओपेसिटी में आप इसको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने कलर की ओपेसिटी डिफाइन करने के लिए, या फिर दोस्तों आप जो है यहाँ पे जो है एक टर्म भी ऐड कर सकते हैं ओपेसिटी नाम से, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे जो है ओपेसिटी बता सकते हैं, जैसे कि 0.5 या फिर 0.1, और यहाँ पर दोस्तों इसका जो है डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहने देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये कलर दिखाई देगा। इस सिंपली ओपेसिटी को आप यहाँ पे जो है कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट करने का 0.1 लिख दीजिए, इसको दोस्तों पब्लिश कर दीजिए। अभी दोस्तों आपके जो इमेज का बॉक्स है उसको राउंड शेप में दिखाना चाहते हैं तो आप जो है रेडियस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बॉर्डर रेडियस अगर आप देंगे इसमें दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना रेडियस आप देना चाहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर जो है 8 बॉर्डर रेडियस दे दिया है, अब इसको यहाँ पर जो है आपको पेस्ट कर देना है, तो इसके जो कॉर्नर है वो राउंड शेप में हो जाएंगे, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो प्रोडक्ट का इमेज है जिसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड वाइट है उसमें दोस्तों हमने यहाँ पे जो है कुछ ग्रे कलर ऐड कर दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट इमेज के बैकग्राउंड कलर को जो है बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लुक को जो है और भी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।